our today's demonstration is about configuring a basic dscp version 4 on a router so first of all we will build a network topology we will configure the devices and then we will configure the dscp uh, server on a router and also a dscp relay agent on a router alright so many packet research you have the software on kia रन uh, हो रहा है इस वक्त और ये सामने स्क्रीन है आपके पास जिसमें हम जो है एक टपोलॉजी बनाते हैं सबसे पहले एक मैं एक राउटर सेलेक्ट करता हूँ वन नाइन फोर वन राउटर जो है उस उस सीरीज का राउटर हम सेलेक्ट करते हैं राइट right? और एक और राउटर सेलेक्ट करते हैं और थर्ड राउटर सेलेक्ट करते हैं राइट right? तो इस राउटर को हम नाम देते हैं राउटर आर वन इसको R2 और इसको हम ISP राउटर का नाम देते हैं ISP ऑलराइट तो right. so अब हम इस राउटर R1 के साथ दो लेंस अटैच करते हैं तो उसके लिए स्विच लगाते हैं हम 2960 सीरीज के दो स्विच लगाते हैं और इनके साथ हम दो मशीन्स भी कनेक्ट कर देते हैं स्विचेस के साथ इसको नाम हम दे देते हैं मशीन को पी सी इस मशीन को नाम देते हैं हम पी सी बी सिमिलरली स्विचेस को भी नाम दे देते हैं हम एस वन और इस स्विच को हम नाम देते हैं एस टू राइट और जिस तरह के अब हम इसको कनेक्ट करेंगे केबल्स के साथ सो so, पी को कनेक्ट करते हैं हम केबल के साथ विद द स्विच और कोई भी आप इसमें जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट है वो आप सिलेक्ट कर लें। लेंट सिमिलरली पीसी बी को हम कनेक्ट करते हैं इस स्विच एस टू के साथ और कोई भी आप पोर्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अब हम इन स्विचेस को इन राउ रौ, इस राउटर आर वन के साथ कनेक्ट करते हैं कोई भी पोर्ट और इसको हम इस राउटर आर वन की गीगाबिट पोर्ट जीरो वन के साथ हम इसको अटैच करते हैं और इस स्विच को हम अटैच करते हैं राउटर के साथ उसकी गीगाबिट जीरो आ, स्लैश जीरो आ, पोर्ट के साथ राइट right. अब हमने इन इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है उसके लिए हमें सीरियल केबल चाहिए और हमें एक्सपेंशन स्ट्रॉल लगानी पड़ेगी उसके लिए मैंने जिस तरह आपको बताया था आप राउटर को ऑफ करें इसको ड्रैग करें यहाँ ड्रॉप करें और फिर राउटर को ऑन कर दें सिमिलरली इसी तरह आप इस राउटर को भी सिलेक्ट करके ऑफ करें ये एच डब्ल्यू आई सी जो टू टी जो है विच इज टू पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड है उसको आप ड्रॉप करें और ऑन कर दें सेम थिंग विद राउटर आर टू राइट सो हमने इसको भी ऑन किया हमने एक्सपेंजन स्लॉट इंस्टॉल कर ली अब हम सील केबल को यहां से सिलेक्ट करेंगे और इससे कनेक्ट करेंगे राइट right. इसी तरह इस राउटर आई एस पी को कनेक्ट करेंगे हम आर टू राउटर के साथ सो so, ये हमने एक नेटवर्क टपोलॉजी uh, बना ली है और उसको हमने कनेक्ट भी कर दी है राइट right? और जिस तरह के हमें पता है कि टपोलॉजी डिजाइन करने के बाद हम एक एड्रेस टेबल बनाते हैं जिसमें हम uh, जो है बताते हैं कि हमने हर मशीन्स को और हर हमारी नेटवर्किंग डिवाइस को हमने कौन सा आईपी एड्रेस किस इंटरफेस को असाइन करना है सो so, uh, uh, पहली डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह हमारे पास यहाँ भी एक आई एड्रेस टेबल मौजूद है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ये है आई एड्रेस टेबल राइट जो कि आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसको एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं सो uh, so ये टेपोलॉजी बना ली और इसमें R1 राउटर की जो इंटरफ़ेसेस हैं उसके ये आईपी पी हैं ये सबनेट मास्क हैं सिमिलरली R2 के ये इंटरफ़ेसेस हैं और ये आईपी पी सबनेट मास्क है आईएसपी uh, जो राउटर है उसका एक इंटरफेस है उसका सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस है अब आप यहां नोटिस करें पी ए और पी बी जो है उसको हम आईपी एड्रेस नहीं असाइन करेंगे उसको आईपी एड्रेस वाया डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू डायनेमिकली और ऑटोमेटिकली असाइन होगा बाय द डी सर्वर सो अब मैं कन्फिगर करता हूं इन मशीन्स को जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस को इनके राउटर्स के साथ और इनके आईपी एड्रेस असाइन करते हैं डायनामिक जो डी प्रोटोकॉल होती है आपको पता ही एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलाउ करती है कि वो मैनेज कर सकें असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस एड्रेस की आ, अगर डी आप यूज़ नहीं करेंगे तो ज्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली जो है असाइन करना पड़ेगा आई एड्रेस सो इसीलिए जो है हम डी यूज करते हैं ताकि जो हैसल है मैनुअल असाइनमेंट जो आई एड्रेसेस की है वो अवॉइड कर सके एडमिनिस्ट्रेटर सो so, हम जो है कन्फिगर करते हैं डिवाइसेस को और जिस तरह के मैंने कहा कि हम जो है एड्रेस टेबल को देखते हुए अब हम जो है मशीन्स को आईपी एड्रेसेस जो है उनके इंटरफ़ेसेस को कन्फिगर करेंगे सो so, मैं जाता हूँ राउटर आर वन में राइट right? इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में राइट प्रिविलेज एग्जिट मोड ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड और इसमें अगर आप देखें आर so, वन की जो हाँ, हमारे पास इंटरफेसेस है इसको इंटरफेस गीगा बिट जीरो स्लैश जीरो सेलेक्ट करते हैं हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं आईपी एड्रेस टेबल को देखते हुए आईपी एड्रेस दिया सबनेट मास्क दिया और इसको अप कर दिया इसी तरह हम इंटरफेस सेट करेंगे जीरो 1 राइट right? और उसको आईपी एड्रेस देंगे एड्रेस टेबल देखते हुए विच इज वन डॉट वन और उसका सबनेट मास यही सेम रहेगा राइट right? इसको भी आप कर देते हैं अब हम सील इंटरफेस सेट करेंगे राइट right? इसको आईपी एड्रेस देंगे 192.168.2.253 राइट right? और इसको सबनेट मास देंगे डॉट टू ऑल वन डॉट आखिरी जो है 252 फिफ्टी राइट right. uh, इसकी क्लॉक रेट सेट करेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी राइट और इसको अप कर देंगे राइट सो नाउ अब हम नाओ करेंगे राउटर आर टू को इसकी कमांड पॉइंट में जाएंगे सी एल आई प्रेवलिज मोड ग्लोबल कंफिग्रेशन और इसका जो इंटरफेस है सीरियल इसके दोनों हमारे पास सीरियल इंटरफेस है ये सिलेक्ट किया आईपी एड्रेस असाइन करेंगे एड्रेस टेबल देखते हुए 192.168 डॉट टू डॉट टू फिफ्टी फोर सबनेट मास्क टू फिफ्टी टू और राइट और इसको अप करती है सिमिलरली इंटरफेस अब हम सेलेक्ट करेंगे दूसरा इंटर इसका सीरियल इंटरफेस उसको आईपी एड्रेस साइन करेंगे जो कि आई एस पी से कनेक्टेड है विच इज टू जीरो नाइन i p address two zero nine dot sixty five dot one sixty eight two zero one sixty five dot dot two hundred dot two twenty six or iss i p or subnet mass thingy 224 ऑलराइट फोर right. और इसकी भी क्लॉक रेट सेट करते हैं और इसको अप कर देते हैं ऑलराइट सो right, so हमने देखा कि अब हमने इसको R2 को भी कॉन्फिगर कर दिया और अब हम ISP राउटर को कॉन्फिगर करेंगे क्विकली uh, uh, और फिर जो है हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डीएससीपी uh, सर्वर को uh, जो है वो कॉन्फिगर करेंगे सो so, अब हम इसको इसमें इसका एक ही इंटरफेस है हमारे पास इसको सेलेक्ट किया उसको आईपी एड्रेस दिया एड्रेस टेबल देखते हुए टू जीरो नाइन डॉट वन सिक्सटी फाइव डॉट टू हंड्रेड डॉट टू ट्वेंटी फाइव सबनेट की इसकी और इसको अप कर दिया सर so, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे किस तरह डीएससीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं